प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। पादपों में श्वसन अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, रेस्पिरेशन या श्वसन। श्वसन सभी सजीवों में अपनी उपापचयित अथवा जैविक क्रियाओं को संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत सूर्य की विकिरण ऊर्जा है, जिसे पादप जटिल कार्बनिक पदार्थों के रूप में संचित करते हैं। इन कार्बनिक पदार्थों का निर्माण प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा होता है। हमने पढ़ा था जिस तरह से प्रकाश संश्लेषण में, कि प्रकाश संश्लेषण में पादप जो है वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड के लेके ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, तो कार्बोहाइड्रेट या कार्बनिक पदार्थों का जो निर्माण होता है वह प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के अंतर्गत होता है, जिसके द्वारा अब इन पदार्थों का कार्बनिक पदार्थों में ऊर्जा का संचयन होता है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में रहता है। जितने भी जो कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, उनमें रासायनिक पदार्थ जो होते हैं रासायनिक रूप में ऊर्जा संचित होती है, जो इन पदार्थों के ऑक्सीकरण पर मुक्त होती है। इन जटिल कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण विभिन्न रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला में होता है, तथा श्रृंखला के विभिन्न चरणों में ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रकार विमुक्त ऊर्जा को पादप या सजीव अपनी जैविक क्रियाओं में प्रयुक्त करते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा विमुक्त होने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। तो जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं उनके ऑक्सीकरण के कारण जो ऊर्जा निकल रही है, विमुक्त होने की जो प्रक्रिया है, वह हमारी श्वसन अभिक्रिया कहलाती है। श्वसन एक जैविक क्रिया है जो सभी जीवित कोशिकाओं में होती है। पादप की वृद्धि क्षेत्रों जैसे पुष्पकलिका, कायकलिका, अंकुरित बीजों, मूल व प्रोशीश में श्वसन क्रिया अपेक्षाकृत तेज होती है। श्वास लेने की क्रिया को श्वसन माना जाता था पहले पूर्व में, परंतु अब इसे कोशिकीय स्तर पर संपन्न होने वाली प्रक्रिया माना जाता है। सामान्य परिस्थितियों में श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपभोग तथा कार्बन डाइऑक्साइड की विमुक्ति होती है। ऑक्सीजन गैस तो अवशोषित होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस विमुक्त होती है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग ही हो, अर्थात ऑक्सीजन के अभाव में भी श्वसन क्रिया होती है। अनेक अनॉक्सी जीवाणु में ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन क्रिया निरंतर जारी रहती है। इस प्रकार यह हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में जटिल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा की विमुक्ति को हम श्वसन कहते हैं। श्वसन क्रिया में मुख्य रूप से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन तथा रासायनिक ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इस ऊर्जा का कोशिका में एटी के रूप में संचयन होता है। तो किस तरह से ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें विमुक्त होती है, तथा इसमें ऊर्जा का निष्कासन या उत्सर्जित होती है। श्वसन अभिक्रिया है जिसमें कार्बन पदार्थों का ऑक्सीकरण होकर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस विमुक्त होती है, तथा इसके अंदर ऊर्जा का निष्कासन होता है। परंतु ऑक्सीजन ग्लूकोज से सीधी अभिक्रिया नहीं करती है, इसके लिए जल अणुओं की आवश्यकता होती है। तो ये सीधी अभिक्रिया इस अभिक्रिया के लिए जल के अणु की आवश्यकता होती है। एनर्जी प्रोडक्शन होता है। वास्तव में श्वसन क्रिया इतनी सहज व सरल नहीं है जैसा कि समीकरण से हमें प्रतीत हो रहा है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अनेक माध्यमिक उत्पाद बनते हैं, तथा प्रत्येक क्रिया एक विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है। श्वसन क्रिया की प्रमुख घटनाएं
निम्न प्रमुख घटनाएं होती हैं। पहला ऑक्सीजन का ग्रहण करना, दूसरा जटिल कार्बनिक पदार्थों कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण द्वारा सरल पदार्थों कार्बन डाइऑक्साइड व जल में परिवर्तन होना, तीसरा ऑक्सीजन के फलस्वरूप ऊर्जा का विमुक्त होना तथा एटीपी के रूप में संचयन होना, चौथा इस क्रिया के दौरान अनेक मध्यवर्ती यौगिकों का निर्माण होता है जो उपापचय में महत्वपूर्ण होते हैं, पांचवा इस क्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड की विमुक्ति तथा जल का कोशिकीय घटक बनना, छठा इस प्रक्रिया के फलस्वरूप पादप के शुष्क भाग में कमी होती है क्योंकि उसके अंदर जो संचित भोजन है उसका भी ऑक्सीकरण के द्वारा जो है एनर्जी प्रोडक्शन होता है, तो इसमें जो है श्वसन अभिक्रिया के द्वारा शुष्क भाग में पादपों में कमी होती है। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन दो विपरीत क्रियाएं हैं। प्रकाश फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों एक दूसरे के विपरीत अभिक्रियाएं होती हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण तथा ऑक्सीजन का विमोचन होता है। इसके विपरीत श्वसन में ऑक्सीजन का अवशोषण कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन होता है। अतः प्रकाश संश्लेषण एक उपापचयी क्रिया है एनाबोलिक, जबकि श्वसन एक अपचयी कैटाबॉलिक अभिक्रिया है। इन दोनों क्रियाओं में अंतर होता है। अब हम देखेंगे श्वसन क्रियाधार रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। श्वसन क्रिया में जिन जटिल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा विमुक्त होती है उन्हें श्वसन क्रियाधार कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट वसा कार्बनिक अम्ल तथा प्रोटीन क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन तथा ऑर्गेनिक एसिड्स बस ये अम्ल ये श्वसन क्रियाधार के रूप में काम में आते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स अधिकतर पादपों में ये मुख्य श्वसन क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इनमें प्रमुख रूप से स्टार्च इनुलिन सुक्रोज ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज है। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स का सर्वप्रथम हेक्सोशर्करा में अपघटन होता है तथा हेक्सोशर्करा श्वसन धार के रूप में प्रयुक्त की जाती है। किस तरह से? स्टार्च या पॉलीसेक्राइड्स इनका अपघटन होता है पॉलीसेक्राइड्स का डाइसेक्राइड्स में। हेक्सोस के अंदर इनका जो है अपघटन होता है। पादप के विभिन्न भागों में कार्बोहाइड्रेट की आपूर्ति प्रकाश संश्लेषी भागों पत्तियों में के स्थानांतरण द्वारा होती है। सेकंड जो है पदार्थ वो है फैट्स वसा या फैट्स फैट्स ये केवल वसा उत्कों तथा बीजों में अंकुरण के समय श्वसनाधार का कार्य करते हैं। बीज अंकुरण के समय वसा का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन होता है। सर्वप्रथम इनका ग्लिसरॉल तथा वसा अम्लों में अपघटन होता है। सबसे पहले जो फैट्स है ये फैट्स दो भागों में डिवाइड इनका अपघटन होता है। पहला अपघटन जो होता है वो होता है फैटी एसिड्स में।
दूसरा अपघटन होता है जेस्ट्रॉल में। फैटी एसिड्स या बीटा ऑक्सीडेशन द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण होता है और ग्लिसरॉल का अपघटन अल्फा ग्लिसरोफास्फेट में और अल्फा ग्लिसरोफास्फेट का अपघटन डिसल्फाइड फास्फेट में होता है। फास्फेट में होता है तो फैटी एसिड्स जो है वसा का अपघटन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में है। सर्वप्रथम इनका ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में अपघटन होता है। ग्लिसरॉल का ग्लिसरेट में रूपांतरण होता है जो ग्लाइकोलिसिस में प्रवेश करता है। वसा अम्ल के बीटा ऑक्सीकरण द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण होता है जो कि क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करता है। तो ये तो क्रेब्स साइकिल के अंदर नाम में आता है एसिटाइल कोएंजाइम में और जबकि ग्लिसरॉल फास्फेट ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में काम में आता है रेस्पिरेशन के। नेक्स्ट अपन देखेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स। कार्बनिक अम्ल या ऑर्गेनिक एसिड्स कार्बनिक अम्ल क्रेजुलेशन पाकों में सामान्यतः कार्बनिक अम्ल श्वसनाधार का कार्य करते हैं। इनका निर्माण कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से होता है जैसे ग्लूकोज सीएम पाथवे में इनका उपयोग होता है और मैलिक का निर्माण होता है मैलिक अम्ल का। इसी तरह से इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज से सिट्रिक एसिड भी फॉर्मेशन होता है। इस तरह से फैटी एसिड्स कार्बनिक अम्ल जो होते हैं ये अधिकतर क्रिस्टलाइजेशन पाथवे के अंदर काम में आते हैं। लास्ट अपन देखेंगे श्वसन क्रियाधार में प्रोटीन। प्रोटीन युक्त बीजों के अंकुरण के समय ये श्वसनाधार का कार्य करते हैं। प्रोटीन का सर्वप्रथम अमीनो अम्ल में अपघटन होता है तथा अमीनो अम्ल के विअमिनीकरण या डीअमिनेशन से कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है जो कि क्रेब्स चक्र में काम में आते हैं। प्रोटीन इसका रिडक्शन या अपघटन के द्वारा फॉर्म में अमीनो एसिड्स अमीनो अम्ल और अमीनो अम्ल के डीअमिनेशन से कार्बनिक अम्ल जो कि क्रेब्स चक्र में प्रवेश करते हैं। सामान्य परिस्थितियों में कार्बोहाइड्रेट अथवा वसा को श्वसनाधार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है जिसे प्लावी श्वसन या फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं। सामान्य पादप भागों में अथवा कोशिकाओं में जब कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपलब्ध नहीं हो
तो जीव द्रव्य के प्रोटीन श्वसन आधार के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उसे जीव द्रव्य श्वसन या प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन कहते हैं। वितरित विलंगित पत्तियों में पलावी व जीव द्रव्य दोनों प्रकार के श्वसनों का अध्ययन किया जा सकता है। वैज्ञानिक यम ने 1936 के अनुसार विलंगित पत्ती में श्वसन की दर प्रथम 24 घंटे में तेजी से गिरती है, साथ ही पत्ती में शक्करा की मात्रा भी अत्यधिक कम हो जाती है। 24 घंटे बाद श्वसन दर में पुनः कुछ समय के लिए वृद्धि होती है, जो जीव द्रव्य श्वसन या प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन का परिणाम होती है।